हेलो डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ रुचिका चुक आज हम क्लास टेंथ के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर में कल तक जो हमने पढ़ा है उसको और आगे लेके जाएंगे कल तक हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा की थ्योरम क्या है उसके बाद हमने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम क्या है उसके बाद हमने और स्टडी किया था कि रैशनल नंबर को डेसीमल में हम कैसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में एक्सप्रेस करें आज हम क्या करेंगे ई को कुछ और तरह से डिस्कस करेंगे उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ वो क्या है ये है मल्टीप्लिकेशन चार्ट फ्रॉम नंबर वन टू हंड्रेड ये वही चार्ट है जो हम छोटे क्लास में अभी तक पढ़ते आए हैं बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे डिफरेंट टेबल्स दिखाए जा रहे हैं टेबल ऑफ वन टेबल ऑफ़ टू थ्री फोर एंड सो ऑन टिल टेन अब आप सोचेंगे इसमें ये क्या नया है जो हम पढ़ रहे हैं और कैसे हम इसको रियल नंबर से रिलेट कर रहे हैं अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ यहाँ पर हम रियल नंबर के पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स को हम कंसीडर करते हैं सारे इंटीजर जो पॉजिटिव है मतलब हम स्टार्ट कर सकते हैं वन टू थ्री एंड सो ऑन यहाँ पे वही नंबर दिख रहे हैं क्या वही नंबर दिख रहे हैं अगर हम बात करें कुछ नंबर यहाँ पर दिख रहे हैं और कुछ नंबर यहाँ पर विजिबल नहीं है अब मैं उन नंबर को जो यहाँ पे विजिबल नहीं है डिफरेंट टेबल के हिसाब से रिलेट करूँगी कैसे रिलेट करूँगी हमें यहाँ पे जो कंसेप्ट लगाना है वो लगाना है यूक्लिड डिविजन लेमा का जो हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था वो क्या था वो था कि अगर हमारे पास कोई नंबर है ए एंड बी जहाँ पे ए बड़ा है तो so, वो बन जाएगा ए इज़ इक्वल टू बी मीन्स द सेकेंड नंबर q क्वेश्चन होगा जब हम ए को बी से डिवाइड करेंगे और उसके साथ कुछ रिमाइंडर मिलेगा आर इस आर की कंडीशन ये रहेगी कि या तो ये ज़ीरो होगा या तो फिर ये ज़ीरो से बड़ा लेकिन बी से छोटा होगा अब इस पूरे चार्ट में जो नंबर मिस हो रहे हैं उसको हम रिलेट करेंगे इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा से कैसे करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर अगर मैं वन का टेबल देखूँ तो वन के टेबल में तो टोटल अगर हम हंड्रेड तक जाते रहें तो कोई भी नंबर मिस नहीं हो रहा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड सो ऑन यहाँ पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कवर होंगे लेकिन अगर मैं बात करूँ टू के टेबल की टू का टेबल क्या है टू फोर सिक्स एट टेन एंड सो ऑन ध्यान से देखा जाए इसमें सिर्फ टू के मल्टीपल हैं बीच के नंबर्स यहाँ पे नहीं शो हो रहे हैं तो बीच के नंबर को अगर मैं शो करूँ तो वो कैसे शो होगा वो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर है हमारा टू अब इस टू को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से ये नंबर रिप्रेजेंट होगा टू इंटू क्यू कोई भी हमारा इंटीजर हो जाएगा प्लस ज़ीरो तो इस केस में क्या होगा अगर मैं यहाँ पे क्यू की वैल्यू वन एज्यूम करती हूँ तो टू इंटू वन होगा टू प्लस जीरो टोटल हमें देगा ये टू तो क्या यह नंबर हमारा टेबल में अवेलेबल है ये टेबल में अवेलेबल है आगे अगर हम बढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन के नेक्स्ट पार्ट में टू क्यू प्लस पहले मैंने ज़ीरो लिया था अब मैं ले लेती हूँ वन तो अगर मैंने वन लिया और क्यू को मैं कोई इंटीजर मान मान लेती हूँ माना कि वो वन ही है टू इंटू होगा टू टू प्लस क्या देगा हमें वो देगा थ्री तो क्या वो नंबर इस टेबल में अवेलेबल है नहीं है मतलब अगर मैं टू को उठाती हूँ और उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा में डालती हूँ और मुझे सारे नंबर सारे पॉजिटिव इंटीजर चाहिए तो फ़र्स्ट केस हमारा क्या होगा फ़र्स्ट केस होगा हमारा टू क्यू प्लस ज़ीरो सेकेंड केस होगा हमारा टू क्यू प्लस वन टू क्यू प्लस ज़ीरो अगर क्यू को हम वन एज्यूम कर रहे हैं तो ये हमें पिछले केस में दे रहा था टू अब टू क्यू प्लस वन में क्यू को अगर मैं वन एज्यूम कर रही हूँ तो टू क्यू प्लस वन क्या होगा थ्री मतलब टू के बाद हमें क्या मिला थ्री मिला आगे अगर मैं चलूँ इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं टू क्यू प्लस टू अगर मैंने टू क्यू प्लस टू लिखा तो क्यू की वैल्यू वन एज्यूम करने पर टू इन वन हो जाएगा टू एंड टू प्लस टू हो जाएगा फोर वो हमें नेक्स्ट नंबर यहाँ पे मिल रहा है लेकिन टू क्यू प्लस टू को अगर मैं ध्यान से देखूँ टू क्यू प्लस टू इन दोनों टर्म में टू कॉमन है अगर टू कॉमन है तो अंदर हमें क्या मिलेगा क्यू प्लस वन क्यू को मैंने क्या कंसीडर किया था क्यू को मैंने कोई इंटीजर डिस्कस किया था अगर किसी इंटीजर में वन ऐड करें तो वो भी तो इंटीजर होगा सपोज़ वो इंटीजर मैं नाम ले लेती हूँ एम का टू टू इंटू एम क्या होगा ये वैसे ही दिख रहा है टू इंटू क्यू टू इंटू क्यू क्या होता है टू इंटू सम इंटीजर टू इंटू एम बी क्या है टू इंटू सम इंटीजर मतलब टू के टेबल की अगर हम बात करें जो नंबर हैं वो तो हैं अगर इसमें कोई मिसिंग नंबर निकालना है तो वो हमें मिलेगा टू क्यू प्लस वन कंक्लूजन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द टेबल ऑफ टू अगर यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लगाएँ बी क्यू प्लस आर तो टू की फॉर्म टू का टेबल लिखा जाएगा टू क्यू और जो नंबर मिस हैं वो लिखे जाएंगे टू क्यू प्लस वन तो अगर हम इन दोनों को क्यू में डिफरेंट वैल्यूज को एज्यूम करें डिफरेंट वैल्यूज को पुट करें तो कहीं ना कहीं ये टू का टेबल तो आएगा ही आएगा इन टू क्यू टू क्यू प्लस वन में वो नंबर्स भी आ जाएंगे जो मिस हो गए हैं तो यहां पर मैंने डिस्कस किया है कि कैसे हम पॉजिटिव इंटीजर को डील कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन चार्ट में टू के टेबल्स को लेके जहाँ पे जो नंबर विजिबल हैं वो हो जाएगा टू इंटू क्यू जो नंबर विजिबल नहीं है वो हो जाएगा टू क्यू प्लस वन जिससे सारे मिसिंग नंबर कंसिडर हो जाएंगे सेम अगर हम बात करते हैं थ्री के टेबल की तो थ्री का टेबल को हम कैसे लिख सकते हैं इन द एग्जाम्पल ऑफ यूक्लिड यूक्जन लेमा इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस जीरो थ्री क्यू प्लस जीरो क्या होगा ये होगा थ्री क्यू थ्री क्यू का मतलब क्या होगा एनी क्यू कैन बी टेकन एज इंटीजर तो वो उस इंटीजर का मल्टीपल क्या हो जाएगा थ्री तो ये थ्री के टेबल से चलेगा थ्री इंटू वन थ्री थ्री इंटू टू सिक्स थ्री इंटू टू नाइन ये चलता रहेगा लेकिन हमें मल्टीप्लीकेशन टेबल की बात नहीं करनी है हमें सारे पॉजिटिव इंटीजर की बात करनी है तो थ्री क्यू के हिसाब से अगर मुझे सारे मिसिंग नंबर लेकर आने हैं तो हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे थ्री क्यू प्लस वन थ्री क्यू प्लस वन हमें क्या देगा थ्री इंटू क्यू को अगर फिलहाल मैं वन मान के चलूँ थ्री इंटू वन थ्री एंड थ्री प्लस वन फोर तो जहाँ हमारा यहाँ एक नंबर मिस हुआ है वो नंबर हमें मिल जाएगा इसके साथ अगर मैं नेक्स्ट लूँ थ्री क्यू प्लस टू क्यू को फिलहाल अगर मैं वन एज्यूम करूँ तो थ्री इंटू वन हो जाएगा थ्री एंड थ्री प्लस टू फाइव मतलब जहाँ पर हमारा फोर नंबर जो मिस था यहाँ पर हमारा फोर नंबर जो मिस था वो हमें मिल जाएगा थ्री क्यू प्लस वन की हेल्प से और जो हमारा फाइव नंबर मिस था वो हमें मिल जाएगा थ्री क्यू प्लस टू की हेल्प से आगे अगर मैं बढ़ूँ थ्री क्यू वन हो गया टू हो गया नेक्स्ट हम अगर ले लेते हैं थ्री तो इन दोनों में थ्री कॉमन है थ्री कॉमन है तो अंदर हमें क्या मिला क्यू प्लस वन क्यू प्लस वन अगर क्यों कोई इंटीजर है उसमें अगर हम कोई वन ऐड कर दें तो तो हमें इंटीजर मिलेगा ही आपको प्रॉपर्टी याद होगी ये हमारी क्लोज़र प्रॉपर्टी होती है सो थ्री इंटू एम थ्री इंटू एम हमें दिखेगा थ्री इंटू क्यू की तरह मीन्स अगर आपको थ्री के टेबल के अकॉर्डिंगली मूव करना है तो वो हो जाएगा थ्री क्यू और अगर आपको मिसिंग नंबर लेकर आने कौन से मिसिंग नंबर थे फोर एंड फाइव तो उसके लिए क्या होगा थ्री क्यू प्लस वन थ्री क्यू प्लस टू अगर मैं सिक्स की बात करूं तो वो कवर हो जाएगा थ्री इंटू क्यू अभी हम थ्री इंटू क्यू में क्यू को टू ले लेते हैं तो थ्री इंटू टू हो जाएगा सिक्स हमारा यहाँ पर सिक्स कवर हो गया अब सिक्स के बाद नाइन आ रहा है मतलब अगर मैं क्यू को थ्री एज्यूम करूँ तो थ्री इंटू थ्री आ जाएगा नाइन उन नंबर्स का क्या जो बीच में मिस हो गए कौन से नंबर मिस है यहाँ पे सेवन एंड एट तो इन नंबर को लेने के लिए हमें क्या करना होगा फिर से यहाँ पे ई की हेल्प लेनी होगी यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्री क्यू प्लस वन अभी हम क्यू को टू मान रहे हैं थ्री इंटू टू सिक्स प्लस वन सेवन सेवन आ गया और हम लेते हैं थ्री क्यू प्लस टू थ्री इंटू टू सिक्स सिक्स प्लस टू एट सो so, यहाँ पे मेरे कहने का ये मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन चार्ट में किसी भी नंबर का अगर हम टेबल लेते हैं तो वहाँ पे मिसिंग नंबर निकालने के लिए हम ई की हेल्प ले सकते हैं मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प ले सकते हैं थोड़ा सा जंप करते हैं और हम सिक्स की टेबल की तरफ अगर बढ़ें तो सिक्स का टेबल क्या होगा यहाँ पर हम लेंगे सिक्स इंटू क्यू सिक्स इंटू क्यू क्या होगा क्यू कैन बी एनी इंटीजर मतलब कोई भी इंटीजर लो वो सिक्स का मल्टीपल है और वो सिक्स का मल्टीपल यहाँ पे हमें दिख भी रहा है अगर मैंने क्यू वन लिया सिक्स इंटू वन सिक्स अगर मैंने क्यू टू लिया सिक्स इंटू टू ट्वेल्व अगर मैंने क्यू थ्री लिया तो सिक्स इंटू थ्री एटीन वो सब तो यहाँ कवर हो रहा है उन नंबर का क्या जो मिस होंगे मिस कौन से हो रहे हैं सिक्स के बाद क्या आना चाहिए सेवन आना चाहिए एट आना चाहिए नाइन टेन इलेवन तो इन नंबर का क्या जो मिस हो रहा है हमारे इस मल्टीप्लीकेशन टेबल में तो वहाँ पर हम क्या करेंगे सिक्स क्यू फर्स्ट केस में सिक्स क्यू प्लस जीरो लेंगे तो वो सिक्स इन क्यू हो जाएगा नेक्स्ट केस में लिया जाएगा सिक्स क्यू प्लस वन देन सिक्स क्यू प्लस टू सिक्स क्यू प्लस थ्री सिक्स क्यू प्लस फोर सिक्स क्यू प्लस फाइव अगर मैं आगे जाती हूँ सिक्स क्यू प्लस सिक्स तो यहाँ पे सिक्स कॉमन आ जाएगा ये मिलेगा क्यू प्लस वन क्यू प्लस वन कोई भी इंटीजर हो जाएगा तो ये फिर से फॉर्म ले लेगा सिक्स इंटू क्यू मतलब इस पूरी सीरीज़ को हमने कहाँ से शुरू करना है सिक्स प्लस ज़ीरो से फिर वन टू थ्री फोर फाइव ऐड करते करते वहाँ पर रुक जाना है, जब तक ये इस सिक्स से कम तक कंप्लीट ना हो जाए जैसे ये इक्वल हो जाएगा हम उसको वहाँ पे छोड़ देंगे तो जो हमारे मिसिंग नंबर है सेवन एट नाइन टेन इलेवन वो सारे नंबर यहाँ कवर होंगे सिक्स क्यू प्लस वन क्यू अगर मैं वन लेती हूँ तो सिक्स इंटू वन प्लस वन हमें देगा सेवन सिक्स इंटू वन प्लस टू हमें क्या देगा एट सिक्स क्यूब प्लस थ्री हमें क्या देगा नाइन देन टेन एंड देन इलेवन अगर मैं यहाँ बात करूँ सिक्स क्यूब प्लस सिक्स सो सिक्स इंटू वन सिक्स सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व वो तो वही नंबर है जो हमें टेबल में मिल रहा है और वो नंबर सिक्स क्यूब प्लस सिक्स नहीं बेसिकली वो क्या हो जाएगा सिक्स इंटू क्यू हो जाएगा हम पहले केस में क्यू को वन मान रहे थे अब क्यू को हम टू मानेंगे तो हमें ट्वेल्व मिलेगा तो यहाँ पर सिंपल सी बात है सिंपल सी बात क्या है कि मल्टीप्लिकेशन चार्ट में जो नंबर है वो उस नंबर का मल्टीपल है अगर थ्री का टेबल है तो थ्री का मल्टीपल है हम थ्री क्यू ले लेंगे फाइव का मल्टीपल है तो फाइव क्यू ले लेंगे लेकिन जो मिसिंग नंबर है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स का उसमें हम उन नंबर के लिए ई की हेल्प लेंगे और वो नंबर ऐड होते रहेंगे तो ये कंसेप्ट में हमारा ई बहुत हेल्प कर रहा है जहाँ पर हमें पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीपल के साथ साथ उनके बीच के नंबर से भी रिलेट करना है आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहां पर यहां पर एक क्वेश्चन दिख रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव Odd integer is of the form of 6q plus प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री सिक्स क्यूब प्लस फाइव क्यू इज़ सम इंटीजर इनका कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास कोई positive यहाँ पे integer अकेला नहीं है odd की बात हो रही है हमारा कोई भी positive odd integer है क्या उन्हें हम इस form में लिख सकते हैं लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते इसके लिए थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं उसके बाद देखेंगे कि क्या चलेगा तो डिस्कशन के लिए मैं क्या कर रही हूँ पहले से ही पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को यहाँ पे लिख रही हूँ तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या होंगे वो वन हो सकता है वो थ्री हो सकता है वो फाइव हो सकता है वो सेवन हो सकता है वो नाइन हो सकता है इलेवन हो सकता है इलेवन के बाद थर्टीन हो सकता है फिफ्टीन हो सकता है सो ऑन चलता रहेगा अब इन नंबर को मैं अगर ई डी एल फॉर्म में लिखूँ तो वो ई डी एल की फॉर्म क्या होगी वो ई डी एल की फॉर्म होगी सिक्स क्यू प्लस वन अगर मैंने यहाँ पे सिक्स क्यू प्लस वन लिया q कोई इंटीजर है फिलहाल मैं क्यू को ज़ीरो मान लेती हूँ तो सिक्स इंटू ज़ीरो 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 प्लस वन हमें देगा वन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सिक्स क्यू प्लस क्या करूँ कि थ्री आ जाए अगर मैं क्यू को ज़ीरो मान रही हूँ सिक्स इंटू ज़ीरो ज़ीरो प्लस थ्री लिख सकते हैं यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं सिक्स क्यू प्लस फाइव सिक्स इंटू ज़ीरो 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 प्लस फाइव फाइव यहाँ पर हम सेवन को क्या लिख सकते हैं सेवन को हम लिखेंगे सिक्स क्यू क्या हम सिक्स क्यू प्लस सेवन लिखेंगे यहाँ पर हम सिक्स क्यू प्लस सेवन नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री सिक्स क्यू प्लस फाइव तो अब सेवन को कैसे लिखा जाए अब मैं क्यू को जीरो नहीं क्यू को वन ले रही हूँ तो सिक्स इंटू वन हो गया सिक्स प्लस वन यहाँ पर क्या होगा सिक्स क्यू प्लस क्यू को अगर मैंने वन लिया तो सिक्स इंटू वन सिक्स यहाँ पे क्या लिखा जाएगा थ्री लिखा जाएगा इलेवन के केस में आया तो ये होगा सिक्स क्यू प्लस फाइव अगर मैंने क्यू वन लिया तो सिक्स इंटू वन सिक्स प्लस फाइव यहाँ पर हो जाएगा इलेवन अब थर्टीन की बात करें तो यहाँ पर हम इसे फिर से लिखेंगे सिक्स क्यू अब मैं यहाँ पर वन थ्री फाइव वन थ्री फाइव चल रही हूँ तो ये यह यहाँ पर क्या आना चाहिए ये यह यहाँ पर वन आना चाहिए क्यू की वैल्यू डेफिनेटली यहाँ पर टू होगी सिक्स इंटू टू ट्वेल्व एंड ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा सिक्स क्यू प्लस वन के बाद हम क्या लिखेंगे थ्री तो क्यू की वैल्यू डेफिनेटली यहाँ पे टू होगी सिक्स इंटू टू ट्वेल्व एंड ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन फिफ्टीन आगे भी अगर हम लिखते रहे तो हमारी फॉर्म हमेशा यही बनने वाली है फॉर्म क्या है सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री सिक्स क्यू प्लस फाइव और फिर से क्या हो रहा है ये रिपीट हो रहा है और मैं अगर आगे चलूँ अगर मैं फिफ्टीन के बाद नेक्स्ट सेवेंटीन ले लूँ तो वो क्या हो जाएगा सिक्स क्यू प्लस अब हमारे पास वन थ्री थ्री के बाद क्या आना चाहिए फाइव आना चाहिए क्यू की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेंगे टू लेंगे सिक्स इंटू टू ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस फाइव सेवेंटीन तो ये सीरीज चलती रहेगी लेकिन हमारी फॉर्मेशन यही रहेगी सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री सिक्स क्यू प्लस फाइव तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो चुकी है हमने सारे नंबर को रिलेट कर दिए इस फॉर्म में इस फॉर्म को बोलते हैं यूक्लिड डिविजन लेमा लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा तो उसको सॉल्व कैसे करना उसको हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था तो अब इसे सॉल्व करते हैं हमें क्या करना है जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उसको कोई एक नंबर से रिप्रेजेंट करना है तो हम मान लेते हैं वो नंबर क्या है ए ए इज द पॉजिटिव ऑड इंटीजर हम पहले से ही मान लेते हैं कि ए क्या है हमारा पॉजिटिव के साथ साथ वो ऑड इंटीजर है अब इस ए को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ यूक्लिड डिवीजन लेमा तो वो क्या होगा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यहाँ पे b होगा उस a को डिवाइड करने वाला क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सिक्स क्यूब प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री सिक्स क्यू प्लस फाइव से हमें क्लियर हो रहा है कि हमारे जो b की वैल्यू है वो रहेगी यहाँ पर सिक्स तो यहाँ पर हम ले सकते हैं दिस एम्प्लाइज दैट b की वैल्यू हम ले सकते हैं सिक्स और रिमाइंडर क्या होगा रिमाइंडर या तो जीरो होता है या फिर वो बी से छोटा होता है मतलब रिमाइंडर हमारा ज़ीरो हो सकता है वन हो सकता है टू हो सकता है थ्री फोर फाइव लेकिन सिक्स से कम होगा तो इससे ज्यादा केस नहीं होंगे ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे ये सारे केसेस को सॉल्व करेंगे सॉल्व करने के बाद हमारा फाइनल आंसर उसी फॉर्म में आना चाहिए जिस फॉर्म में पूछा गया है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे केसेस बनाएंगे केस वन केस वन क्या होगा जहां पे बी तो सिक्स होगा लेकिन आर क्या होगा जीरो हमारे केसेस ऐसे ही चलते रहेंगे बी तो सिक्स रहेगा लेकिन आर कभी ज़ीरो कभी वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे चलता रहेगा तो हमारे जो मेन इक्वेशन थी यहाँ पे अगर मैं इसको इक्वेशन वन ले लूँ तो मेन इक्वेशन क्या है ए इज़ इक्वल टू बी की वैल्यू हम लेंगे सिक्स यहाँ पे लिखा मैंने Q प्लस R की वैल्यू क्या है ज़ीरो तो यहाँ पे A इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा सिक्स क्यू हो जाएगा इसे फर्दर अगर मैं सॉल्व करूं क्या मैं सिक्स को टू इंटू थ्री लिख सकती हूं हाँ हम लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू टू इंटू थ्री क्यू मतलब कि ये क्या हुआ ए इज इक्वल टू टू इंटू थ्री क्यू क्यूँ हमारा कोई इंटीजर है अगर क्यों कोई इंटीजर है उसको मैंने थ्री से मल्टीप्लाई किया तो वो भी तो एक इंटीजर होगा सपोज किसी दूसरे इंटीजर को मैं यहाँ पे m से रिप्रेजेंट कर देती हूँ तो m क्या है मैंने इसको माना इंटीजर m is also an integer which is equal to which is equal to what many m k value kya assume ki is 3 q so a is equal to 2 m ध्यान से अगर देखा जाए टू एम मीन्स समथिंग इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू अगर कोई चीज़ टू का मल्टीप्लीकेशन है तो वो तो इवन होता है लेकिन हमारा क्वेश्चन तो क्या था ऑड था मतलब ये जो हमारा केस है ए इज़ इक्वल टू सिक्स क्यू पॉसिबल नहीं है और वही तो हमें प्रूव करना है कि सिक्स क्यू नहीं आना चाहिए वो आना चाहिए सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री सिक्स क्यू प्लस फाइव तो इस केस में हम क्या बोलेंगे यहाँ पर हमारा ट्राई एंड एरर का कंसेप्ट चलेगा और ये यह हमारा यहाँ पर क्या है एरर है क्योंकि हमारा क्वेश्चन कभी भी सिक्स क्यू के फॉर्म में नहीं होगा वो सिक्स क्यू प्लस वन थ्री और फाइव के फॉर्म में होगा तो हमारा केस वन क्या हो चुका है एरर हो चुका है तो आगे हम बढ़ते हैं केस टू की तरफ केस टू क्या होगा ए इज इक्वल टू बी हमारा था सिक्स क्यू प्लस आर हमारा फर्स्ट केस जीरो था अब हमारा आर नेक्स्ट केस हो जाएगा वन यहां पर हमारी बात हो रही है केस टू की अब इसको फर्दर सॉल्व करें ए इज इक्वल टू सिक्स को हम लिख सकते हैं टू इंटू थ्री क्यू प्लस वन अब यहाँ पर मैं फिर से टू इंटू थ्री क्यू को मैं एम लिख रही हूँ क्योंकि क्यू कोई इंटीजर है इंटीजर अगर थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो वह इंटीजर ही होगा तो उसको हम क्या लेंगे एम ले सकते हैं तो उसको हम यहाँ पर एम ले सकते हैं प्लस वन यहाँ पर मैंने एम क्या लिया m इज ऑल्सो एंड इंटीजर और यहां पे m की वैल्यू मैंने क्या लिया m की वैल्यू लिया थ्री क्यू तो ये क्या बना टू एम प्लस वन टू एम प्लस वन क्या होता है ये कोई नंबर जो टू से मल्टीप्लाई है उसमें वन एडेड है मतलब डेफिनेटली ये क्या है ऑड नंबर तो ये वाला केस हमारा क्या आ चुका है हिट आ चुका है मतलब साफ है कि कोई नंबर अगर सिक्स क्यूब प्लस वन के फॉर्म है तो वो ऑड है पिछला केस था सिक्स क्यूब प्लस जीरो वो ऑड नहीं था इवन था तो हमारा ये केस यहाँ पर हिट आ गया मतलब ऑड इंटीजर सिक्स क्यूब प्लस वन के फॉर्म में हो सकता है केस टू में ये बात हो रही है अब केस थ्री हम देखते हैं केस थ्री क्या होगा ए इज़ इक्ल टू बी की वैल्यू क्या थी सिक्स क्यू ज़ीरो हम ले चुके हैं वन हम ले चुके हैं अब बारी आई है टू लेने की मैंने यहाँ लिखा टू ए इज़ इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस टू में यहाँ पर टू कॉमन है तो हमें अंदर क्या मिला थ्री क्यू प्लस वन एज़ इक्वल टू टू मैंने यहाँ पे लिखा थ्री इंटू क्यू क्यों कोई इंटीजर है इंटीजर को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे वो इंटीजर होगा उसमें वन ऐड करेंगे वो भी इंटीजर होगा मतलब ये सारा का सारा क्या है इंटीजर है तो मैं इसको यहाँ पे एम ले रही हूँ तो एम क्या है यहाँ पे हेयर एम इज ऑल्सो एन इंटीजर जहाँ पे m की वैल्यू मैंने क्या ली है m की वैल्यू मैंने ली है थ्री क्यू प्लस वन तो यहाँ पर क्या है टू इन टू एम मतलब टू का मल्टीपल ये तो इवन का केस है तो ये यह यहाँ पे केस क्या कंसीडर होगा एरर क्योंकि हम इवन के क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ऑड के लिए और ऑड के लिए फॉर्म क्या होनी चाहिए सिक्स क्यू प्लस वन हो सकती है सिक्स क्यू प्लस थ्री हो सकती है सिक्स क्यू प्लस टू नहीं हो सकती तो अगर हम कोई और केस लेंगे वो हमारा एरर तो आना ही है तो ये तो हमारा केस थ्री अब हम बात करते हैं केस फोर की केस फोर केस फोर ए इज़ इक्वल टू बी क्यू मीन्स सिक्स क्यू केस फोर क्या होगा ज़ीरो हमने ले लिया वन ले लिया टू ले लिया अब ये होगा हमारा थ्री तो यहाँ पर हम ए को फिर से कैसे लिखेंगे सिक्स क्यू प्लस थ्री अब मुझे क्या करना है यहाँ पे कुछ कॉमन लेने की कोशिश करनी है कॉमन मैं बाद में लूँगी अगर मैं सिक्स क्यू प्लस थ्री को क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ प्लस टू प्लस वन बेसिकली देखा जाए सिक्स क्यू प्लस थ्री में थ्री कॉमन आ रहा है हमें थ्री कॉमन लेके कुछ नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन है ऑल अबाउट ऑड एंड इवन ऑड एंड इवन का मतलब होता है कि टू का मल्टीपल है या टू के मल्टीपल के साथ वन एडेड है तो हमें कहीं ना कहीं से टू कॉमन लेना है तो इसलिए मैंने क्या, -क्या? 3 break किया थ्री को ब्रेक किया ताकि सिक्स प्लस टू में टू कॉमन आ जाए तो नेक्स्ट हम कैसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस टू में टू कॉमन है तो ये लिखा जाता है टू बाहर अंदर रहेगा ये थ्री क्यू प्लस वन और ये तो साइड में है प्लस वन हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू क्यों कोई इंटीजर है इंटीजर को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर होगा वन ऐड करेंगे तो भी इंटीजर होगा तो ये फॉर्म ले लेगा टू एम प्लस वन यहाँ पर एम क्या है एम इज ऑल्सो एन इंटीजर और जहां पे m की वैल्यू हमने क्या पुट की है m की वैल्यू पुट की है थ्री क्यू प्लस वन तो यहाँ पे टू एम प्लस वन क्या होगा टू एम होता है मल्टीपल ऑफ टू मतलब इवन इसमें वन ऐड कर दिया तो वो ऑड हो गया तो ये पूरा केस हमारा ऑड है ऑड कौन सा केस है सिक्स क्यू प्लस थ्री वो क्वेश्चन में गिवन है तो ये केस हमारा क्या आ गया ट आ गया मीन्स कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होता है वो सिक्स क्यू प्लस थ्री की फॉर्म में हो सकता है और वो हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया टू एम प्लस वन ऑड होता है ये था केस फोर नेक्स्ट हमारा केस आएगा फाइव केस फाइव क्या होगा ए इज इक्वल टू बी क्यू मीन्स सिक्स क्यू प्लस लास्ट केस हमारा थ्री था तो ये हमारा हो जाएगा फोर अब यहाँ पे फर्दर सॉल्व करें a इज़ इक्वल टू यहाँ पे टू कॉमन मुझे लेना है तो टू कॉमन ईजीली निकल रहा है टू इन टू थ्री क्यू प्लस टू टू कॉमन क्यों लेना है क्योंकि पहले ही हमने डिस्कस किया हमें इवन और ऑड के कंसेप्ट को समझाने के लिए हमेशा ट्राई करना है कि टू कॉमन आए सो ए इज़ इक्वल टू टू थ्री क्यू प्लस टू एक इंटीजर की फॉर्म ले लेगा तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ टू एम तो यहाँ पे एम हमारा वही क्या है इज ऑल्सो एन इंटीजर और एम की वैल्यू यहाँ पर क्या है एम की वैल्यू यहाँ पर है थ्री क्यू प्लस टू तो थ्री थ्री क्यू प्लस टू को हमने रिप्लेस कर दिया एम से टू इन टू एम मतलब क्या हुआ टू का मल्टीपल टू का मल्टीपल तो इवन होता है और अगर ये इवन है तो हमारे इस क्वेश्चन के लिए ये एरर है मींस हमारा कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर सिक्स क्यू प्लस फोर के फॉर्म में नहीं हो सकता वन के फॉर्म में थ्री के फॉर्म में और फाइव के फॉर्म में होगा तो अगले केसेस में हम स्टडी करते हैं कि वो कैसे होगा नेक्स्ट होगा हमारा केस सिक्स के सिक्स है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर मीन्स ए इज़ इक्वल टू बी की वैल्यू हम सिक्स ले रहे थे क्यों पिछला हमारा जो आर था वो फोर था तो अब ये क्या होना चाहिए फाइव होना चाहिए जैसे मैंने आपको पीछे बोला हमें कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि कॉमन टू आए यहाँ पर कॉमन टू नहीं आ सकता तो हम क्या करेंगे फाइव को ब्रेक करेंगे फाइव को ब्रेक करने के बाद कुछ ऐसे करेंगे कि टू कॉमन हो तो मैंने क्या कर दिया फोर प्लस वन कर दिया तो अब यहाँ पे टू कॉमन रहा तो अंदर मिलेगा हमें थ्री क्यू प्लस टू और ये प्लस वन हमारा साथ में चलेगा आगे हम क्या करें टू थ्री इंटू क्यू क्यू इंटीजर तो थ्री इंटू क्यू इंटीजर प्लस टू भी इंटीजर तो मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया एम प्लस वन एम फिर से हमारा वही है एम इज ऑल्सो एन इंटीजर क्या ली है, ने किया है को. तो टू एम प्लस मतलब ऑड के केस में इसने हमें क्या दे दिया हिट तो हिट हमें कहाँ कहाँ मिला हिट हमें मिला सिक्स क्यू प्लस वन के फॉर्म में मतलब सिक्स क्यू प्लस जीरो में हमें एरर मिला था सिक्स क्यू प्लस वन में हमें हिट सिक्स क्यू प्लस टू में एरर था सिक्स ट्यू प्लस थ्री में हिट सिक्स क्यू प्लस फोर में एरर था और सिक्स क्यू प्लस फाइव में हमें क्या मिला हिट मिला तो यहाँ पर हम प्रूव कर चुके हैं कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हिट हमें देगा कि किस केस में हिट देगा सिक्स क्यू प्लस वन के केस में देगा सिक्स क्यू प्लस थ्री के केस में देगा और सिक्स क्यू प्लस फाइव के केस में देगा तो इस तरह से हम यूक्लिड डिविज़न लेमा को इन कंसेप्ट में यहाँ पर डाल के इन चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं तो इसी तरह से हम यूक्लिड डिविज़न लेमा को डिस्कस करते हैं किसी और क्वेश्चन के साथ तो वो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम क्वेश्चन है प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ़ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इधर ऑफ द फॉर्म ऑफ थ्री एम और थ्री एम प्लस वन वेयर एम इज एनी पॉजिटिव इंटीजर मीन्स यहाँ पे हमें क्या करना है पॉजिटिव इंटीजर जो लेना है उसका स्क्वायर करना है क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है और वो किस फॉर्म में आना चाहिए थ्री एम या थ्री एम प्लस वन तो इसे सॉल्व करके देखते हैं मैं यहाँ क्या करूँगी रिज्यूम करूंगी लेट ए बी एनी एनी क्या एनी पॉजिटिव इंटीजर और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्योंकि हमें फॉर्म चाहिए थ्री एम और थ्री एम प्लस वन तो यहाँ पर मैं बी की वैल्यू कंसीडर करूँगी थ्री और अगर बी की वैल्यू कंसीडर थ्री हुई है तो यहाँ पर रिमाइंडर आर की वैल्यू क्या होगी या तो वो ज़ीरो होगी या वन होगी या टू होगी थ्री नहीं होगी उसको बी से कम जाना होगा तो इस क्वेश्चन में तीन केस बनेंगे ज़ीरो का केस वन का केस टू का केस तो अब हम केस डिस्कस करते हैं केस वन केस वन में हम क्या कर रहे हैं हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर तो क्या होगा ए इज इक्वल टू बी हमने लिया थ्री क्यू फर्स्ट केस है फर्स्ट केस में आर हमारा क्या है ज़ीरो बट ये क्वेश्चन हमारा ए के ऊपर नहीं है पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर नहीं है ये स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है मतलब यहाँ पर हमें स्क्वायर करना होगा तो स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस जीरो जीरो को इग्नोर कर सकते हैं और थ्री क्यू का स्क्वायर हो जाएगा नाइन क्यू स्क्वायर अब हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारे फॉर्म 3m या 3m एम प्लस वन आए तो हर एक केस में हम ट्राई करेंगे कि 3 कॉमन आए तो 3 कॉमन हम कैसे ले सकते हैं तो 9 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 इंटू थ्री की फॉर्म में तो अगर मैंने ये किया 3 इंटू थ्री की फॉर्म में तो ये लिखा जाएगा 3 इंटू थ्री क्यू स्क्वायर क्यू हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव इंटीजर इंटू भी पॉजिटिव इंटीजर तो क्या हम लिख सकते हैं इसे थ्री एम की फॉर्म में जहां पे एम क्या है एम इज ऑल्सो एन इंटीज जहां पे मैंने एम को कहां पे यूज़ किया है थ्री क्यू की क्यू स्क्वायर की जगह तो अगर देखा जाए तो हमारी फॉर्म जो है वो क्या ले चुकी है थ्री एम और वही हमें चाहिए हमारा जो फाइनल जो सोल्व करके आना चाहिए या तो वो थ्री एम की फॉर्म में आना चाहिए या थ्री एम प्लस वन के फॉर्म में आना चाहिए ये केस वन था ऐसे ही हम ट्राई करेंगे केस टू के लिए और केस थ्री के लिए अब हम ट्राई करते हैं केस टू के लिए केस टू केस टू क्या होगा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ए इज़ इक्वल टू थ्री क्यू प्लस आर पिछले केस में ज़ीरो था तो यहाँ पर होगा वन बट यहाँ पे ए नहीं चाहिए हमें स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायरिंग करेंगे ये बन जाएगा ए स्क्वायर और ये बन जाएगा थ्री क्यू प्लस वन होल स्क्वायर अब स्क्वायरिंग करनी है आइडेंटिटी लगाएंगे थ्री क्यू प्लस वन मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर मीन्स नाइन क्यू स्क्वायर प्लस टू ए बी टू इंटू थ्री क्यू सिक्स क्यू इंटू बी ये हमें देगा सिक्स क्यू प्लस बी स्क्र मीन्स वन अब हमें कुछ ऐसा करना है कि कहीं ना कहीं से थ्री कॉमन आ जाए थ्री कॉमन नाइन हमें दे सकता है थ्री कॉमन सिक्स दे सकता है वन नहीं दे सकता तो हम क्या करेंगे इन दोनों में से कॉमन लेने की कोशिश करेंगे तो वो कॉमन क्या होगा अगर मैंने कॉमन लिया तो नाइन क्यू स्क्वायर में नाइन कॉमन दे देगा थ्री इंटू थ्री सिक्स भी कॉमन दे देगा टू इंटू थ्री वन नहीं दे पाएगा उसको हम छोड़ देते हैं और वैसे ही कंसीडर करते हैं तो मैंने यहाँ थ्री लिखा तो अंदर हमें क्या मिला थ्री क्यू स्क्वायर प्लस थ्री बाहर आया तो अंदर क्या मिला टू क्यू यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो उसको हम साइड में रखेंगे प्लस वन अब क्यू हमारा इंटीजर था ये पूरा हमारा इंटीजर ले लेगा तो हम इसे लिख सकते हैं थ्री एम प्लस वन जहां पर एम क्या है एम इज इंटीजर एम को रिप्लेस किससे किया है थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू हमने थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू को एम से रिप्लेस किया फॉर्म आ गई थ्री एम प्लस वन और वही हमें क्वेश्चन में चाहिए तो केस वन हमारा आया था थ्री एम का केस टू हमारा आया थ्री एम प्लस वन अब देखते हैं केस थ्री क्या आता है केस थ्री केस थ्री होगा ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ए इज़ इक्वल टू थ्री क्यू प्लस फर्स्ट केस ज़ीरो था सेकेंड केस वन था तो केस थ्री यहाँ पर क्या होगा टू हो जाएगा हमें करनी है स्क्वायरिंग तो ए स्क्वायर थ्री क्यू प्लस टू को होल स्क्वायर करेंगे तो हमें ये देगा नाइन क्यू स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी मीन्स टू इंटू थ्री सिक्स सिक्स इंटू टू ट्वेल्व ट्वेल्व क्यों प्लस आइडेंटिटी के हिसाब से बी स्क्वायर बी स्क्वायर मीन्स टू स्क्वायर ये देगा हमें फोर अब हमें फिर से कुछ ऐसा करना है कि थ्री कॉमन आ जाए यहाँ से थ्री कॉमन आ रहा है यहाँ से थ्री कॉमन आ रहा है बट फोर से थ्री कॉमन आना मुश्किल है तो उसको हम ब्रेक कर देंगे कुछ ऐसा ब्रेक करेंगे कि वो हमें प्लस वन की फॉर्म दे तो फोर लिखा जा सकता है थ्री प्लस वन के फॉर्म में नाइन क्यू स्क्वा प्लस ट्वेल्व क्यू प्लस थ्री प्लस वन अगर मैंने थ्री कॉमन लिया तो अंदर हमें मिलेगा थ्री क्यू स्क्र प्लस फोर क्यू प्लस वन और ये वन से कुछ कॉमन नहीं आ रहा ये अलग से चलेगा थ्री अब ये पूरा का पूरा इंटीजर बन जाएगा तो मैं इसको लिख सकती हूँ एम प्लस वन तो हमारा एम क्या है फिर से वही है एम क्या है इंटीजर है और एम ने रिप्लेस किया है किसको रिप्लेस किया है थ्री क्यू स्क्वेर प्लस फोर क्यू प्लस वन ने वन को हमने एम से रिप्लेस किया तो थ्री एम प्लस वन कौन सी फॉर्म है वही फॉर्म है जो क्वेश्चन की फॉर्म है तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि ई की हेल्प से हम क्वेश्चन का जो कोई भी नंबर एज्यूम कर रहे हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एज्यूम कर रहे हैं तो उसका स्क्वायरिंग की फॉर्म क्या आ रही है या तो थ्री आ रही है या थ्री एम आ रही है कोई भी केस में सॉल्व करके देख ले तो ये था हमारा ई के ऊपर कुछ क्वेश्चन का किसी भी इंटीजर को ले उसके वेरियस फॉर्म में जनरेट करना अगले वीडियो में हम फिर से ई को डिस्कस करेंगे लेकिन वहां पर डिस्कशन होगा हमारा इरेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर में उसमें क्या रिलेशन बनेगा वो हम अगले वीडियो में देखेंगे तो तब तक कीप रिवाइजिंग